नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये मिशन केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसके तहत गरीब तबके के लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें रोज़गार भी दिया जाना था, और साथ ही साथ गरीब तबके के लोगों को अलग अलग तरह से सहायता की जानी थी। हम आपको नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के 7 कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं। पहला, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार, सामाजिक संगठन और संस्थागत विकास। तीसरा, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी बेघरों के लिए आश्रय, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, अभिनव और विशेष परियोजनाएं। तो ये कुछ 7 कंपोनेंट थे जिसके तहत गरीब तबके के लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम था, जिसमें कि उन्हें रोज़गार दिया जा रहा था, बेघर लोगों को घर की व्यवस्था की जा रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार सरकार ने भी बिहार अर्बन लाइवलीहुड मिशन लेकर आए थे, जिनके तहत महिलाओं हों चाहे गरीब तबके के लोग हों, उनकी सहायता की जाने वाली थी। अब बात करते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में। तो इसके अंतर्गत पटना में, बिहार में अलग अलग जगहों पर सिलाई सेंटर खोला गया था। वहीं पटना के आर ब्लॉक में 8 मार्च को यानी महिला दिवस के दिन सिलाई सेंटर खोला गया, ताकि वहां पर महिलाएं हों, जितनी भी गरीब तबके की महिलाएं हैं वो वहां पर प्रशिक्षण ले सके और एक रोज़गार जो है वो उन्हें मिल पाए। लेकिन ये प्रशिक्षण और ये सिलाई सेंटर केंद्र जो है वो काफ़ी दिन तक नहीं चल पाया, यानी नवंबर 2022 में ये सिलाई सेंटर बंद हो जाता है, जिसके वजह से जो भी महिला वहाँ पर सीख रही थी या रोज़गार के वजह से वहाँ पर कुछ पैसे कमा पा रही थी, उन पर काफ़ी ज़्यादा समस्या होने लगती है, उनका रोज़गार छिन जाता है। यहाँ तक कि जितनी भी महिलाएं थी जो अपना रोज़गार बढ़ाने के लिए लोन लिया होता है, उनका लोन भी बकाया हो जाता है, लेकिन पटना नगर निगम द्वारा जो है इस सिलाई सेंटर को बंद कर दिया जाता है। जब हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। देखिए, सिलाई सेंटर खुला था तो बहुत अच्छा था, उल्लास था, खुशी था कि बाल बच्चा के आगे पढ़ावेंगे, पैसा कुछ हो जाएगा। अब अकेले मर्दाना कमाए वाला है तो कितना बाल बच्चा के मैट्री के पढ़ते बंद हो जाता है। हम लोग सोचे थे सब ग्रुप बना के, कर्जा भी दिए मेरा, हम लोग के पैसा भी इसमें फंस गया ढेर, और कुछ भी हुआ भी नहीं। आज हम लोग एकदम बंद होला पर बहुत मुसीबत है। पहला बात तो कि जब लगाए हम लोग उल्लास से पैसा, वो निकला नहीं, हम लोग के पैसा यही में फंस के रह गया। 8 मार्च के खुला था और 10 नवंबर के बंद हो गया। काम करते थे सिलाई सेंटर में, बाकी हम लोग के बंद हो गया तो हम लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, अभी कोई काम धंधा नहीं चल रहा है हम लोग का। ऐसा था तो कुछ उम्मीद था बाल बच्चा के किससे बढ़ जाएंगे आगे हम लोग के, बाकी अब तो घर में बैठ गए तब हम लोग के कुछ लोग के तनी वो दूर पड़ जाता है, 30 रुपया रोज के भाड़ा लग जाता है अप डाउन, तो एक आदमी कम निहार, हम लोग 30 रुपया कहाँ से रोज रोज हम लोग लाएंगे, यही हम लोग के परेशानी हो जाता है। ऐसे रहता तो बगले में हम लोग चल आते, पैदल हूँ चल आते, बहुत परेशानी। हम लोग कर्जा में भी डूबे हुए हैं, जिससे जिससे लेकर हम लोग माल गिराए हैं, 50-60 हज़ार का माल गिर चुका है, सब तो बंद है, और हम लोग घर पर ही जितना कम से कम सी रहे जितना हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा सिलाता था महिला लोग मिलकर। 20 महिला हम लोग काम करते थे, 20 महिला काम करते, दो शिफ्ट में थे, एक तो 10 से 2 में थे और 2 से 5 में थे। बताइए क्या कुछ काम आप लोगों को मिलता था यहाँ? थैले सीए के था, ऑर्डर आ रहा था, बहुत बढ़िया से ऑर्डर आ भी रहा था, जब जमा पूरा होवे लगा तो नगर निगम फिर खाली कर रहा। हाँ, काम मिलता था हम लोग के, महीना में हो जाता था 8,000-10,000, कभी 7,000 ऐसी। थैला हम लोग के होल सियाता था, होल सेलर से सियाता था, थोक माल हम लोग बाहर से लाते थे, सीते थे, दे देते थे यहाँ खेतान उतान में सब रोज आ जाके। घर पर तो सब कुछ देखिए हो के ना सीना पड़ता था, यहाँ पर आते थे 5-9-10 बजे आते थे, 5 बजे जाते थे आराम से। हम लोग के कर्जा भी माथा पर है, घर से भी लिए, घर से भी बात सुन रहे हैं कि साल भर होने वाला है 1 रुपया कमाई, जितना पूंजी था हम लोग लगा चुके हैं इसमें। बंद हो गया, सो बंदे हो गया जीवन में, समझिए कि घर में फिर जैसे थे वैसे बैठ गए, काम धंधा चल रहा था, परेशानी हो गया ना। हम लोग की एगो उम्मीद था कि हम लोग अपना पैर पर खड़ा हुए हैं, कि हम लोग कुछ कमाएंगे, बाल बच्चा के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही हम लोग के उम्मीद था। अब तो वो सब खत्म हो गया तो हम लोग क्या करें, हम लोग घर में बैठे हैं। हम लोग गए तो बोला कि वो सरकारी जगह है, आपको हम दिए तो हम ही ले रहे हैं,
हम आप लोग को मौर्या लोक में जगह दे रहे हैं, लेकिन वहाँ हम लोग का उतना भाड़ा नहीं जुट रहा है। एक ठो कमाने वाले हम लोग 6 ठो पे फैमिली चला तो भाड़ा देंगे कि हम घर चलाएंगे। मांग हम लोग करते हैं यही कि यही जगह अगर मिल जाता तो हम लोग खातिर बहुत अच्छा होगा। बहुत किए थे तो भैया बोल रहे हैं कि जगह खोज रहे हैं, बाकी अभी एक महीना से ऊपर हो गया, अभी जगह नहीं। बहुत फर्क पर हम लोग घर में बैठल है, और यही फर्क है और कि हम लोग के अब लग रहा है कि कोई रोजगारे नहीं है। ऐसा रहता था तो उम्मीद था कि हम लोग आते थे 11 बजे 5 बजे बंद करके जाते थे, अब ये तो बंद हो गया तो रोजगार अब क्या कहे, छिनाइए ना गया। उम्मीद था जे खुला था तो बहुत खुशी हम लोग थे कि कम से कम एगो रोजगार हम लोग के खुल गया यहाँ। तो जैसा कि आपने सुना कि महिलाओं का क्या कुछ कहना था, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सिलाई सेंटर केंद्र बंद होने के वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि महीने का वो कुछ रुपया कमाती थी वो भी अब बंद हो गया है, साथ ही साथ परिवार वाले भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके सर पर एक बहुत बड़े रकम का कर्ज भी उनके ऊपर है। वहीं उन्होंने बताया कि मौर्या लॉक में उनके लिए एक सिलाई सेंटर खोला गया है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसके वजह से वो जा नहीं पाती हैं क्योंकि भाड़ा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और साथ ही साथ वो अपने घर पर भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। इन सब सिलसिले पर जब हमने पटना नगर निगम के कमिश्नर को कॉल किया उनसे बात करने के लिए इन सब मुद्दों पर, तो उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। वीडियो के एडिट होने तक हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात कर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो पाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।